रीजनिंग की क्लास का ये आपका नौवां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? नौवां। नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से यूपी पुलिस में कम से कम 4 प्रश्न आने फिक्स हैं। 4 प्रश्न हर हाल में आएगा। अब देखिए, बात आती है कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आज नौवां चैप्टर चल रहा है, और आप लोगों के अंदर पता नहीं, हो सकता है हलचल मची हो कि क्लास कंप्लीट करने के बावजूद रीजनिंग में प्रश्न फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। तो आज हम स्पष्ट कर दें कि ये जो 9 चैप्टर पढ़ाए हैं या आगे जो पढ़ाएंगे, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने देंगे। बकायदा रीजनिंग के एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए लास्ट में जो भी टाइप प्रीवियस ईयर के यूपी पुलिस के रीजनिंग वाले प्रश्न होंगे, बकायदा उनको पूरे के पूरे प्रश्नों को रीजनिंग में ही कवर करेंगे, क्योंकि यहां से 55 दूना के 110, 110 नंबर रीजनिंग से आना फिक्स है। इसलिए देखिए, क्लास हम लेट ले रहे हैं, मगर कंप्लीट करेंगे, हर हाल में करेंगे। और जो क्लास देंगे, जैसे ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें टोटल जो है लगभग 9 6 प्रकार के प्रश्न आते हैं, 6 से 7 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आ गया कि यार हम जो है अगर 6 अलग अलग प्रकार कंप्लीट कर लेंगे तो यूपी पुलिस में हमारा 3 से 4 प्रश्न एकदम फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं, एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न वाले चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुके हैं, कि वो 8वें चैप्टर से एक एक प्रश्न आना ही आना है और क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इस चीज को लेकर के आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें है क्या, ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। अक्षर स्थान परिवर्तन पहला टाइप है, दूसरा है अक्षरों का आगे बढ़ना, अंग्रेजी वर्णमाला इसके बाद हम पढ़ाएंगे। जब इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को, तो दोनों को आप जोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से भी 3 प्रश्न आएंगे। अगर इस चैप्टर से कम 3 प्रश्न आएंगे, तो जो 10वां चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला है, वहां से भी 3 प्रश्न आएंगे। 2 चैप्टर से 6 प्रश्न होते हैं, पीछे 8 चैप्टर से 8 9 प्रश्न हो चुके हैं। जो है दिशा और रक्त संबंध से दो दो प्रश्न आते हैं। इनके जो टाइप है, आने के जो प्रकार है, अक्षरों का आगे जाना, अक्षरों का आगे पीछे जाना, ये जो प्रकार है, बिल्कुल भी एक भी प्रश्न क्लास से बाहर नहीं जाएगा, एकदम बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि तो हम जानते हैं ना कहां से प्रश्न आएगा। अब देखिए क्या है, एकदम आसान है। लिखा है कि राजू को जूरा लिखा जाए, अगर दे दे प्रश्न कि राजू को जूरा लिखा जाए, तो बताइए दारू को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न को आप देखें तो यहाँ रीजनिंग में टाइम की बचत होती है। आप देखेंगे ध्यान से, लिखा है अक्षरों का स्थान परिवर्तन, मतलब कि ये जो 4 अक्षर है, यही 4 अक्षर यहां पर भी है, अलग से कोई भी अक्षर इसमें नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह भी 4 अक्षर आपस में अल्टी पल्टी मारेंगे, बाहर से कोई आकर के उसमें नहीं घुसेगा, है क्या। आप देखेंगे इधर रा आगे है और इधर रा पीछे है, फिर ये जू आगे है, देख रहे हैं, तो वैसे अब करेंगे, ये दा आगे है तो आप दा को पीछे कर देंगे, रू पीछे है रू को आप आगे कर देंगे, ये आपका उसका आंसर हो गया। अच्छा बताइए, आसान है कि नहीं है। ये अक्षरों का स्थान परिवर्तन है, इसमें हो सकता है एक एक अक्षर का परिवर्तन कर दे, अक्षरों को इधर उधर बदल दे, पूरा आगे का जैसे है, अगर दे दिया मान लीजिए आपका राजू, क्या है राजू, और हो सकता है इसको आपको ऐसे लग दे, UJAR ऐसे लिख दे राजू, एकदम उल्टा हो गया। तो जब इसको आप करेंगे तो फिर उसी को उल्टा कर देंगे, URAD, DARU, दारू। मतलब आप समझे क्या, पहले टाइप में जो है उन्हीं अक्षरों को आपस में अदले बदलेगा। तो एग्जाम में जब भी प्रश्न आए और अगर ये आपको दिखे कि नहीं ये जो अक्षर है ये अक्षर सेम है, इनमें बाहर से कोई अक्षर नहीं है, आप सबसे पहले सोचेंगे कैसे, कहेंगे यार पहले हमको चेक करना है कि ये जो 4 अक्षर है क्या सेम है। तो दिखेंगे अगर आपको सेम है तो आप इस हिसाब से सोचेंगे, जैसे में ये कमल है, अगर दे दिया कि कमल को यह लिखा जाता है तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए यूपी पुलिस के पेपर में आपको ये प्रश्न दिख गया,
आप तुरंत ढूंढेंगे के ए है यल है यम ए है यम ए है, मतलब कि जो अक्षर ये है वो अक्षर ये है सेम है। तब आप दिमाग लगाएंगे कि इनमें परिवर्तन कैसे किया गया है, ये जो तीसरे स्थान पर है वो पहले स्थान पर आ गया है, तो इसका भी जो तीसरे स्थान पर होगा वो पहले स्थान पर आ जाएगा। ऐसे करके इसको आप तुरंत लगाएंगे, तीसरे स्थान पर यम है तो ये पहले स्थान पर आ गया, यानी कि यम आपका जो है ये तीसरे स्थान पर यल है तो यल कहां आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से होगी, यल से होगी। और इसका आंसर क्या आएगा अभी जो है आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि मेरा एक हथकंडा है, हम क्लास और प्रैक्टिस दोनों साथ लेकर के चलते हैं, ताकि जब आप खुद से चलेंगे ना, अगर कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि आपके जैसा कोई आंसर दिया है, हम सिर्फ उसी के आंसर को रीड करके ये हार्ट वाला चिन्ह भेजते हैं जो सही रहता है, जिसकी कमेंट सही रहती है या जिसका आंसर सही होता है सिर्फ उसी पर हार्ट का टिक करते हैं। अगर आपका आंसर सही होगा तो उस पर हार्ट की टिक रहेगी, ये आपके लिए संकेत है। अब ऐसे ही हम देखें अक्षरों का आगे बढ़ना बेहद आसान है, सिर्फ छह प्रकार आप कंप्लीट करिए, तीन प्रश्न यहां से कंप्लीट होते हैं, ये अक्षरों का आगे बढ़ना एकदम ही आसान है। आप कहेंगे कैसे, समझिएगा। अब देखिए यल एके है और यम भी यल है कि नहीं, इसमें होगा क्या समझिएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो एक चैप्टर है, इसके बाद जो दसवां चैप्टर चलेगा वो पूरा का पूरा इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अक्षरों का स्थान है जैसे यल ए के, तो तुरंत आप लिखेंगे यल का मान 12 होता है, ए का मान 1 होता है, और के का मान कितना होता है, 11 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जानबूझ करके हम रोके हैं अगले चैप्टर के लिए, ताकि जब वहां पढ़ेंगे तब इसका महत्व आप इस चैप्टर का समझेंगे और दोबारा पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, और दोबारा पढ़ेंगे तो चीजें एकदम कंप्लीटली याद होंगी। यल का मान कितना होता है, 12वें स्थान पर होता है, ए जो है पहले स्थान पर होता है, के किस स्थान पर होता है, 11वें स्थान पर। पेपर में सोल्यूशन आपको ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद क्या है, लिखा है यम बी यल, आप तुरंत लिखेंगे इसके आगे जो है यम बी यल, यम का मान होता है 13, बी का मान होता है 2 और यल का मान होता है 12। अब यहां से आप मिलान करेंगे, कहेंगे पहला वाला जो है +1 की वृद्धि हुई है, दूसरा वाला जो है यह भी +1 की वृद्धि हुई है, अब तीसरा वाला जो है यह भी +1 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये अक्षर है इसके तीनों मान में +1 की वृद्धि होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या हर प्रश्न में +1 की वृद्धि होगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, हो सकता है पहलका वाले में +1 की वृद्धि हो, और दूसरा वाले में +2 की वृद्धि हो, और तीसरा वाले में +3 की वृद्धि हो, यह भी हो सकता है कि ये यल की जगह जो लिख दे आपका जो है यल लिख दे, तो आप कहेंगे यल का मान होता है 14, और 14 के हिसाब से वृद्धि कितनी होगी, +3 की, यह भी हो सकता है। तो अब इसमें आप देखेंगे रन है, कहेंगे रन क्या है, आर यू यल, पेपर में आप ऐसे ही लगाएंगे, तुरंत लिखेंगे आर का मान कहेंगे 18, यू का मान लिखेंगे 21, यल का मान 14। इस चीज को जब आप याद करेंगे तब टाइम बचेगा। अब कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं, एक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जिस दिन पुलिस का पेपर देने जाते हैं उस सबसे पहले जब पेपर मिलता है ना, तुरंत सोल्यूशन नहीं कराया जाता, कॉपी खोलने नहीं दिया जाता, वो लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाले पनौवा पर ए से जेड तक लिख करके अब पूरा का स्थान लिख देते हैं। ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं कोई जल्दी नहीं बताएगा, यूपी पुलिस का पेपर जो है ऑफलाइन होगा, जो भी रीजनिंग में कमजोर हो अक्षरों को याद न कर पाते हो, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा रफ कार्य वाले पीछे जो है आप ए से लेकर के जेड तक लिख लीजिएगा वर्णमाला, और उनके ऊपर उनका स्थान 1 2 3 4 5 करके गिनती लिख दीजिएगा, ताकि आप पूरे रीजनिंग के 55 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जरूर 8 से 10 प्रश्नों में उनकी जरूरत पड़ेगी, कम से कम 10 प्रश्नों में उन स्थानों की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये चीज जो है मेरी क्लास में आपको बहुत कुछ चीजें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप उसका महत्व एग्जाम के दिन समझेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, आप लिख लिए कि भाई रन का इतना है, तो इसके बाद जो है जैसे 12 से 13 हुआ था तो कहेंगे 18 से क्या होगा, 19 होगा, फिर कहेंगे 21 से क्या होगा, 21 में भी वृद्धि हुआ था, 22 होगा,
14 से क्या होगा, आप कहेंगे 15 होगा, तुरंत आप नाम लिखेंगे 19 है, इसका मतलब यस हो गया। 22 का मतलब क्या हो गया, वी हो गया, वी वी ये कौन सा है वी, और ओ का मतलब क्या हो गया 15, तो इसका आंसर क्या होगा यस वी ओ। किस हिसाब से आप जज किए, भाई यल ए के लिखा था यम बी एल, क्या था कह रहा था कि यदि यल ए के को यम बी एल लिखा जाए तो उसी तरह बताइए रन को क्या लिखा जाएगा। आप जान गए कि रीजनिंग में हमसे आप पढ़ाई कर ले कि नहीं, देख मरते जाओ ना गुरु जी बताइए रहना कि जो ऐसे नहीं थे कि एक वृद्धि जुड़े के स्थान रख के ऊपर आप जो है इसका वर्णमाला वाला गिनती रख दिए, इसकी भी गिनती रख दिए, दोनों की गिनतियों में मिलान कर लिए, कौने गिनती में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो जौने गिनती में जितना परिवर्तन होगा और वह आपको नीचे कर देना है। और हम आपको बताए हैं कि एक प्रश्न स्थान परिवर्तन का है और दूसरा प्रश्न अक्षरों का आगे बढ़ने का है, इसमें कहीं घटने उठने वाला काम नहीं हुआ है, सीधे बढ़ोतरी हुई है। मेरी बात को आप समझे, और आप देख रहे होंगे ये तीनों अक्षर अलग हैं, ये अक्षर अलग है, जबकि यहां पर क्या था दोनों अक्षर सेम है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को तुरंत सॉल्व करके लिखेंगे क्या टाइप टू क्वेश्चन नंबर दो आंसर इतना, और अगर आपका आंसर सही होगा तब हम क्या करके उस पर टिक करेंगे। तो मेरा काम है क्लास में आपको समझाना और अधिक से अधिक आपसे प्रैक्टिस कराना, एग्जाम उसी का निकलेगा जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेगा। रीजनिंग कहीं से भी पढ़ना या पढ़ाना बहादुरी नहीं है, बहादुरी यह है कि अगर हम आपको सही तरीके से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसको सही तरीके से पूरा प्रैक्टिस करें। और यहां तो हम कहते ही आ रहे हैं कि देखिए जो मेरी क्लास कंप्लीट होगी, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, यूपीजी के हो, करंट अफेयर्स हो, एक ऐसी क्लास रहेगी ना कि आप एट बेट बैच में कितनों हजार दो हजार का बैच पढ़ के आप बीच में छोड़, मगर यहां पर हम आपको जो है पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे और आप मजबूरन पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ऐसी होगी कि आप खुद से मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। प्रश्न इससे बाहर जाने वाले नहीं है, वो पेपर आएगा आपको पता चलेगा उस दिन, जैसे मेरी सूचना रहती है वैसे मेरी क्लास रहेगी, वो आप जानेंगे, समझिएगा। जैसे अक्षरों का आगे बढ़ना है आप पढ़ें, वैसे ही अक्षरों का पीछे जाना। तो हम आपसे बता दें कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें आप तुरंत करेंगे क्या, जैसे लिखा है धोनी को अगर इतना बोला जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रश्न तो ऐसे ही पेपर में आएगा कि अगर धोनी को यह लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे सबसे पहले उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा परिवर्तन क्या हो रहा है। आप देखेंगे इसमें लिखा है धोनी, क्या लिखा है धोनी, ठीक है, इसके स्थान को लिखिए। आप कहेंगे धोनी में ये डी का 4 है, एच का 8 है, ये 15 है, ये 14 है और आई का 9 हो गया, ठीक, इसके स्थान को आप लिख लीजिए। अब आगे क्या है, धोनी को जो है ये लिखा जा रहा है, क्या है ए डी, ए डी फिर क्या है जे है, एच है, सी है। धोनी को अगर इस रूप में लिखा जा रहा है तो आप इसकी संख्याओं को लिखिए, कहेंगे ये ए का मतलब 1 हो गया, डी का मतलब 4 हो गया, जे का मतलब 10 है और एच क्या है 8, इसी तरह से सी जो है आपका 3 हो गया, ठीक है। अब जो है ये अक्षरों का पीछे जाना है कि नहीं, आप एकदम शांति से इसको समझिएगा कि इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहले स्थान पर 4 है, अब पहले स्थान पर क्या है 3 है, अब आप देखेंगे तो यहां पर कमी हो रही है कितने की, -3 की, पहले वाले में। ऐसे आप दूसरे में जज करेंगे, ये 8 है, ये 4 है, कितने की कमी हो रही है -4 की दूसरे वाले में। प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले उसके शब्दों को लिख लेना है, फिर उनके अंकों को लिख लेना है। अब यहां से आप इनमें परिवर्तन ढूंढेंगे कि बढ़ रहा है घट रहा है, कि बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है। जब तक आप यही नहीं चीज निकाल पाएंगे कि हो क्या रहा है तब तक आंसर नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसे निकाल लिए कि नहीं यही चीज हो रहा है तो फिर तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए, देखेंगे 15 से हो गया है 10, तो ये है -5। कुछ लोग क्या करते हैं कि आधा करने के बाद उसको पूरा सॉल्व कर देते हैं कि 3 4 5 6 7,
कुछ लोगों की आदत इतनी बेवकूफों वाली, ओवर माइंड, एकदम बहुत चालाक अपने आप को समझते हैं, सिलेक्शन में एक दो नंबर से बाहर होते हैं। एक प्रश्न ये जाएगा, अब 0.25 अलग से लेके जाएगा, सवा नंबर एक प्रश्न लेके जाएगा। वो कहेंगे यार 3 ठो में तो ऐसे हो रहा है, तो अगुम तो ऐसे ही हो रहा होगा, बाकी 2 को हल करना छोड़ देते हैं। जबकि जो ये प्रश्न है आगे पीछे जाना, एक अलग टाइप होता है आगे पीछे जाना, और प्रश्नों को क्या करता है कि 3 ठो बढ़िया से भेज देगा आपको फंसाने के लिए, और 2 ठो लास्ट में प्लस कर देता है। तो ये आगे पीछे वाले में ऐसा होता है, इसलिए आप प्रश्न को पूरा लगाया करिए, मेरे कहने का मतलब ये है। फिर देखेंगे 14 से 8 हो रहा है तो ये -6 है, 9 से और ये आपका 3 हो रहा है तो ये अभी -6 है, ठीक है। तो ये परिवर्तन हम निकालिए कि पहले में -3, दूसरे में -4, तीसरे में -5, चौथे में -6 और पांचवे में -6, ऐसे हमें परिवर्तन करना है। किसमें करना है? आप कहेंगे धोनी को अगर इतना लिखा जाए तो ANIK, एनीक को क्या लिखा जाएगा? आप कहेंगे किसका पूछा है, ANIK। तुरंत आप कहेंगे ए का मान होता है 1, एन का मान होता है 14, आई का मान होता है 9, और के का मान क्या होता है? आप कहेंगे के का मान होता है 11। ये हो गया। अब पहले वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो -3 है, इसको आपको -3 भेजना है। अब बताइए आप कैसे भेजेंगे -3? कहेंगे एक स्थान पीछे, जैसे ए है उसके एक स्थान पीछे आएंगे तो जेड आएगा, 26 पर बताया। 2 स्थान पीछे आएंगे तो वाई आएगा, अब 3 स्थान पीछे आएंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। भाई अगर आगे बढ़ते तो बी सी डी ई एफ करते, अब पीछे जाएंगे तो जेट वाला आएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते तो ए बी के बाद बी आता, आगे बढ़ते तो ए के बाद बी आता, सी आता, डी आता। अब मगर जब पीछे चलेंगे तो ए के बाद जेट आएगा, जेट के वाई आएगा, अब वाई से एक्स आएगा, 3 स्थान पीछे क्या आएगा? एक्स आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये 14 है, इसके बाद क्या है? -4 स्थान पीछे आपको जाना है, क्योंकि 3 के बाद -4 है और 14 - 4 होता है 10, और 10 पर कौन आता है? आप कहेंगे जे आता है। 10 पर क्या आता है? जे आता है। जब आप इन संख्याओं को याद कर लेंगे तो प्रश्न बेहद आसान हो जाएगा। आप इस चैप्टर को लगाइए, अगला यही संख्याओं वाला है, आपको एकदम याद करा देंगे ताकि आप इसका मतलब जाके वहां समझेंगे। फिर क्या है, 3, 4, उसके बाद तीसरे स्थान पर 5 का परिवर्तन है, तो आप देखेंगे तीसरे स्थान पर जो है 9 है, तीसरे स्थान पर क्या है? 9 है, और 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा क्या आपका? 4 बचेगा। 4 का मतलब क्या होगा? डी होगा। जब तीसरे स्थान पर 9 है और 9 में से आप घटा दिए -5, तो -5 किए तो 4 हो गया, और 4 किस पर आता है? कहेंगे ए बी सी डी, चौथे स्थान पर कौन आता है? डी आता है, तो यहां डी हो गया। अब पांचवें स्थान पर आप देखेंगे तो पांचवें स्थान पर ये 11 है, और पांचवें स्थान पर कितना घटा है? -6 घटा है, और 11 में से -6 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे ई आएगा। रीजनिंग की नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको परमानेंट जो है, जब तक तैयारी करेंगे तब तक पता रहेगा कि नहीं, हाँ रीजनिंग में किस चैप्टर में कितने टाइप है। एग्जाम के समय जब आप रिवीजन करते हैं तब इनको अगर रिवाइज कर लेते हैं, बेहद कम समय में तैयारी हो जाती है। धीरे धीरे आपका 9 चैप्टर या 9वां चैप्टर है, धीरे धीरे करके सब खत्म कर देंगे, 20-22 चैप्टर है लगभग। तो मुझे लगता है आप इसका मतलब समझ चुके होंगे कि नहीं, अक्षरों का पीछे जाना क्या होता है। पहले में -3 का परिवर्तन, दूसरे में -4 का, तीसरे में -5 का, ये कैसा हो सकता है? पीछे मगर जाएगा। तो ये आपका कौन सा टाइप है? तीसरा टाइप। टोटल 6 प्रकार में से 3 टाइप पूरे तरीके से खत्म हो गए, बचा क्या? चौथा टाइप। और हाँ, इसमें देखिए अमृतसर को ऐसे लिखा जाता है तो फिर इसको भारत को क्या लिखा जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जो है तुरंत प्रैक्टिस करते हुए इसका आंसर निकाल करके बताइए क्या होगा।
आप लिखेंगे कैसे? टाइप थ्री क्वेश्चन नंबर दो आंसर इतना, ताकि हम आपके आंसर को देखेंगे। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हार्ट वाला टिक भेजेंगे, अगर आपका आंसर गलत रहेगा तो उसको हम छुपे नहीं करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर गलत है, ठीक है? आइए समझिएगा। अब देखिए हम लोग चौथे टाइप को पढ़ते हैं, बेहद ही आसान है, इतना आसान है कि जल्दी हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जो है बस रीजनिंग पढ़ते चलिए, रीजनिंग पढ़ते चलिए। ये 100 नंबर और वो आपका 104, ये हिंदी वाला और यूपी जीके सब कंप्लीट है, रीजनिंग चल रही है। चौथे में है अक्षर, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे आगे पीछे पीछे आगे, उसी में लगे रहेंगे, कोई आगे भागेगा कोई पीछे भागेगा, ऐसे परिवर्तन आपस में होगा। इन प्रश्नों को पढ़ा जाए, है क्या आप देखेंगे लक्सर है, क्या लिखा है लक्सर, यल ए के यस ए आर। यदि लक्सर का मतलब ये है, क्या है, आई डी आई यू एक्स यू, यदि लक्सर को इतना लिखा जाता है तो तुरंत आप करेंगे यल का मतलब 12, ए का मतलब 1, के का मतलब 11, यस का मतलब 19, ए का मतलब 1, आर का मतलब 18। ये जो है अगर आपके मुझबानी आपको याद हो गए, और मुझबानी याद कैसे होते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी होंगे याद। आप सोचेंगे कि यार हम रट लेना तो कोनो मतलब नहीं है, जैसे हमको देखिए याद है ना, ये सब भी का मतलब वाई होता है, एक्स को जब कूल करके मतलब मारेंगे एकदम सपसट हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करेंगे तब। अब देखिए क्या है, फिर देखेंगे आई का मतलब है 9, डी का मतलब होता है 4, फिर आई है 9, अब उसके बाद जो आपका है यू, यू का मतलब है 21, क्या है 21, और उसके बाद आपका एक्स है, एक्स का मतलब होता है 24, के बाद यू का मतलब कितना है आप कहेंगे 21। अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि यार परिवर्तन कैसे हो रहा है, कहेंगे 12 से 9 हो गया है, 12 से 9, इसका मतलब कि यह घटा है, कितना घटा है -3। फिर दूसरका वाला देखेंगे, एक से हो गया है 4, तो दूसरका क्या हुआ है बढ़ा है, कितना +3। फिर तीसरे में देखेंगे तो 11 से हो गया है 9, तो कहेंगे यह घटा है, कितना -2, 11 हो गया 9, तो 2 माइनस हो गया। फिर देखेंगे तो आप कहेंगे ये 19 से हो गया है 21, तो यह क्या किया है बड़ा बढ़ा है, कितना बढ़ा है +2। फिर आगे देखेंगे तो 1 से हो गया है 24, अब लोग कुछ लोग दिमाग लगाए कहेंगे यार 23 बढ़ गया, तो 23 नहीं बढ़ रहा है, क्रम में आप देखिए तंगी मन्नी चल रहा है, दो तीन का चल रहा है, तो आप उसको पीछे से लाइए, पीछे से मतलब 1 होता है 26 पर जेड होता है, 25 पर वाई होता है और 24 पर एक्स होता है, तो कितना घटा है, मेरी बात को आप समझे, आप कहेंगे -3 घटा है, यानी कि आप इसको 27 भी रख सकते हैं, 1 की जगह आप 27 लिख सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन होता है तो 26 के बाद क्या आता है 27, तो 1 की जगह आप 27 लिख सकते हैं, 27 में से 24 को हटाएंगे तो कितने का परिवर्तन आएगा -3 का, ये आपका हो गया कितना -3। किस स्थान पर आप कहेंगे 1 2 3 4 5, पांचवे स्थान पर -3 का परिवर्तन हुआ है। छठवां में क्या है, इधर 18 है और इधर 21 है, छठवें स्थान पर आप देखेंगे 18 से 21 यानी कि +3 का हुआ है। आपको सामने क्रम दिख गया होगा, कभी घटा कभी बढ़ा, कभी घटा बढ़ा घटा बढ़ा, इसका मतलब घटना बढ़ना या अक्षरों का आगे पीछे जाना। तो अब आप जब इस परिवर्तन को ढूंढ लिए तो तुरंत आपसे पूछा होगा कि इसका मतलब बताइए, हे वाले का मतलब क्या होगा, अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे उसको और उसका मतलब निकालेंगे। ये है आपका डी है, डी के बाद क्या है क्यू है, क्यू के बाद यस पी आर यन, मेरे साथ आप लोग भी करते रहिए, कहिए मेरे साथ आप भी कहेंगे 4, आर के बाद ये आपको होता है 18, के बाद 17, ये होता है 17, ये 19 है, ये 16 है, ये 18 है, ये कितना है 14 है। अब तुरंत करिए, -3 का मतलब हो गया 1, फिर +3
प्लस 3 का मतलब 17 3 20, फिर उसके बाद माइनस 2, 19 मिला 2 घटा कितना हो गया, माइनस 2 किया आप कहेंगे 17, फिर प्लस 2, 16 में प्लस 2 जोड़ेंगे 18, फिर माइनस 3 कहेंगे 15, 18 में से माइनस 3 15, फिर प्लस 3 14 में प्लस 3 करेंगे 17। यहीं से आंसर 1 का मतलब ए, 20 का मतलब टी, और 17 का मतलब आपका हो गया क्यू, 18 का मतलब आर, 15 का मतलब ओ, और यस क्या है आपका, क्यू है। ये आपका हो गया आंसर, एकदम आसान। रीजनिंग बकवास, कोडिंग डिकोडिंग बकवास, हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम सब बकवास है, बस आप सही तरीके से क्लास करते हुए समझते गए तब मजा आएगा आपको लगाने में, प्रैक्टिस करने में। मेरा काम है आपको समझाना, बढ़िया से पढ़ाना और एक एक चीज को बताना, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। किताबें हम बता चुके हैं, बढ़िया से आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए क्या है, आप लक्षण को लिखे और इसका परिवर्तन लिखे, लक्षण के अंकों को लिखे, इसके अंकों को लिखे, पेपर में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तुरंत आप इनके अंकों का परिवर्तन ढूंढे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, कि घट बढ़ रहा है, दोनों हो रहा है, तो आप दोनों निकाल लिए। अब जब आप निकालिए कि पहले में -3 का परिवर्तन, दूसरे में +3 का, तो आप जब इसका मान पूरा लिख लिए तो कहेंगे पहले में -3 का परिवर्तन था, -3 काम कर दिए तो ये 4 से घट करके 1 हो गया, फिर +3 हो गया है तो 17 में +3 किए तो 20 हो गया, फिर उसके बाद -2 हुआ है तो आप 19 में से -2 घटाए 17 आ गया, फिर +2 हुआ है तो आप 16 में +2 जोड़े 18 हो गया, पांचवें स्थान पर 3 घटा है तो पांचवें स्थान पर आप 3 घटा दिए 18 से 15 हो गया, और लास्ट वाले में +3 बढ़ा है, और लास्ट वाले में 14 में 3 जोड़ दिए 17 हो गया। तो और इनका मान आपको याद है कि 1 का मतलब ए होता है, 20 का मतलब टी होता है, ऐसे करके आप आंसर निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को, यदि स्वीट का मतलब यह है तो बताइए कि ट्रेन का मतलब क्या होगा। आप इनके अंकों को रखिएगा, उनमें परिवर्तन ढूंढिएगा, जो चीज दिखाई देगा और वही सही इसका लिख करके आंसर मार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर कितना रहा, क्योंकि हम क्लास प्रैक्टिस के साथ ही लेंगे तब मजा आएगा, जाके आपको सिलेक्शन पता चल जाए, इसका मतलब कब पता चलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे और ये प्रश्न ऐसे ही, यही टाइप, यही प्रकार, यही सब कुछ, यही तौर तरीका, जब सब कुछ है आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब जाके पेपर में आपके अगर इस चैप्टर से 3 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्नों को 3 मिनट में नॉर्मल उड़ा देंगे। 4 टाइप, 6 में से 4 टाइप खत्म हो गए, बाकी जो 2 टाइप है उसको हम लेकर के आते हैं। बुक में देखिए प्रश्न कई तरीके से घालमेल किए होंगे मगर प्रकार यही रहेंगे, तो आप घबराइएगा मत, बाकी चीजें हम प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसे ही रहेगा घटना पढ़ना। अगर आप अंकों को लिख करके लगाना सीख गए तो बुक में कई सौ प्रश्न बदला होगा ना, आप कर ले जाएंगे, चीजों को आप समझ गए तब, बाकी 2 चीजों को लेकर के हमारे पढ़ते रहिए। अब देखिए ये 5वां और 6वां प्रकार जो 2 अलग अलग हैं, ठीक है, इनको पढ़ लिया जाएगा तो कोटिंग डी कोटिंग पूरे तरीके से कंप्लीट, मगर इस 5वें टाइप के ये जो 4ों प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, 4ों प्रश्न थोड़ा थोड़ा अलग है। एक ही पिता के 4 औलादे मगर थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो इनको एक ही टाइप में रखा जाता है। अब जब हम 4ों को बताएंगे तब आप समझेंगे कि नहीं इनमें अंतर क्या है, समझिएगा। कह रहे कि एनटी, हाँ मगर ध्यान देना है, ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को पहले से ही संख्या के रूप में कोड कर देगा, संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 जो हम लोग कोड करके लिख रहे थे ना, ये क्या करेगा कि उस काम को अपने आप कर देगा, पहले ही से कोड कर देगा, बस आपको उसी में खोजना है, समझिएगा। पहला प्रश्न है यदि इंडिया को ये इस प्रकार से लिखा जाए तो बताइए भारत को कैसे लिखा जाएगा। जब ऐसे प्रश्न हो तो आप सबसे पहले काउंट करिएगा इंडिया में कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अक्षर है इंडिया में, इसमें देखेंगे 1 14 2 3 4 5, 5 अक्षर इसमें भी है, यानी कि कहीं ना कहीं से इन 5ों का आपस में कोडिंग होगा। अब आप जो है इसमें पढ़ेंगे कैसे, कहेंगे कि भाई जो है आई का अक्षर कितना होता है 9, तो कहेंगे आई की जगह 9 ही है,
आई का मान 9 होता है, यहां पर 9 है। एन का मान 14 होता है, 14 ही है। डी का मान 4 होता है, 4 है। इसी तरह आई का मान 9 है, ए का मान 1 है। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके जो अक्षर होते हैं संख्यात्मक, वही यहां पर सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रश्नों में क्या होगा कि इन संख्याओं को जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आगे पीछे, तो क्या करेगा, आई के जगह जो 9 है उसको 10 कर देगा, एक बढ़ा देगा। फिर उसके बाद यन का मान 14 है तो यहां कर देगा 13, एक घटा देगा। तो कुछ प्रश्नों में इन संख्याओं को आगे पीछे भी कर सकता है, या तो पूरा का पूरा एक स्थान आगे बढ़ा देगा, 9 के जगह 10, 14 के जगह 15, 4 के जगह 5, या तो पूरे में एक अंक बढ़ा देगा, या तो पूरे में एक अंक घटा देगा, या घटा बढ़ा देगा। मतलब यही चीज रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। तो यहां पर आप निकाल लिए कि इस प्रकार से है। तो भारत का क्या होगा, आप तुरंत लिखेंगे भारत का मतलब बी का मान होता है 2, बी का मान 2, एच का मान 8, फिर एक ए का मान क्या होगा 1, आर का मान कितना होगा आप कहेंगे 18, ए का मान फिर क्या होगा आप कहेंगे 1, और टी का मान 20। ये आपका होगा आंसर। अगर मान लीजिए परिवर्तनकर्ता जो हम आपसे कहे हैं बाई चांस कहता कि इंडिया को जो है कोड किया जाता है, समझिएगा, इंडिया को कोड किया जाता है 11, उसके बाद 13, फिर आपका हो गया 6, 11, 13, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 3। यदि इंडिया को इस रूप में कोड किया गया है तो बताइए भारत को कैसे लिखा जाएगा। बाय चांस ये प्रश्न बदल करके ऐसे आ जाए तब आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। और ये आंसर आपको बताना है कि टाइप 5 के पहले का आंसर कितना आएगा, आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कैसे होगा। जैसे अमेरिका लिखा है तो अमेरिका का मान ऐसे दे दिया, तो बताइए चाइना का अर्थ क्या होगा। बाय चांस अगर अमेरिका को इस प्रकार से लिखा जाता है तो चाइना को कैसे लिखा जाएगा। आप फिर काउंट करेंगे, अमेरिका में 3, 3, 6, 1, 7 अक्षर है। अब इसमें देखेंगे 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अक्षर इसमें भी है, मतलब कि सेम सेम है। देखा जाए क्या हुआ है, ए का मतलब होता है 1, ए का मान 1, यम का मान क्या होता है 13 होता है, उसके बाद ई का मान क्या होता है 5 होता है। मेरे साथ आप भी लिखते रहिए। फिर आर है, आर का मान कितना होता है 18 होता है। फिर आई का मान 9 है, सी का 3, ए का 1। तो ये तो इसका मान होता है ओरिजिनल, वास्तविक मान, अमेरिका में इन अक्षरों का वास्तविक मान है। मगर कह रहा है कि अमेरिका को अगर इस रूप में लिखा जाए, यानी कि 1 के जगह 3, 13 के जगह 15, 5 के जगह 7, 18 जो है 18 के जगह 20 है, 9 के जगह 11 है, और 3 के जगह 5 है, 1 के जगह 3 है। अब देखिए हुआ क्या, आप देखेंगे इसमें प्लस 2 की वृद्धि हुई है, कितनी प्लस 2, इसमें माइनस 2 की कमी हुई है, इसमें प्लस 2 की वृद्धि हुई है, और यहां भी प्लस 2 की वृद्धि है, इसमें भी प्लस 2 की वृद्धि है, प्लस 2 की, ये भी प्लस 2 है और यह भी प्लस 2 है, अरे ये भी प्लस 2 है। पूरे के पूरे प्रश्नों को जो देखेंगे आप, इसमें हर एक चीज को 2 बढ़ा करके लिखा गया है। होना चाहिए था ये वास्तविक मान, मगर दिया क्या है, ये दिया है। तो ऐसे ही जब आप पूछे चाइना का मान कितना होगा, चाइना का पूरा मान लिखेंगे और सब में 2 बढ़ा देंगे। होता है चाइना का 3, सी का मतलब क्या होता है, सी तीसरे स्थान पर आता है, 3 होता है ना, तो 2 जैसे ये बढ़ा है, 2 बढ़ा करके आप कितना कर देंगे 5। यच का मान होता है 8, और 8 में 2 बढ़ा के कितना कर देंगे 10। फिर उसके बाद आई का मान होता है 9, 9 में 2 बढ़ा करके क्या कर देंगे 11। फिर ऐसे ही यन का 14, 14, 2, 16, ए का मान 1, 1 के जगह रख देंगे 3। ये हो गया, अब बताइए होगा क्या। तो अब कह दिया कि चाइना को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, तो चाइना का ये आंसर आ गया आपका, किस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का। पहला और दूसरा सेम सेम है कि नहीं, जो हम कहे थे परिवर्तन होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें सभी अंकों को आगे कर दिया गया है।
आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको इतने बकवास लगेंगे ना, कि जैसे लगेगा एलकेजी यूकेजी के बच्चे इन सब चीजों से खेल रहे हैं। कह रहा कि जो लंदन का अर्थ इतना है तो बताइए फ्रांस का मतलब क्या होगा। अगर ये लंदन है उसका अर्थ दे दिया तो फ्रांस का उसी हिसाब से क्या होगा, यह आपको बताना है। आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले जैसे हर प्रश्न में हम लोग करते आ रहे हैं कि पहले इनका मान लिखा जाएगा है क्या। जैसे यल है तो यल का मान 12, ओ है ओ का मान 15, यन है यन का हो गया 14, आपका इसी तरह से डी ओ यन डॉन हो गया, तो ये आप 4, 15 और 14 होगा। जबकि लंदन का मान दिया कितना है, ये तो वास्तविक मान है, इस हिसाब से देखेंगे तो ये यहां पर 24 दिया है, इधर 30 है, ये 28 है। अब आप लोग पकड़ लिए होंगे यहाँ 8 है और ये कितना है 30 है, बाकी लगता है 2, 3, 5, 3, 3, 6, यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है, ये 30 के बाद जो है 28 छूटा हुआ है, एक और छूट गया है, ठीक है ना। ये आपका जो है 28 कहाँ गया, यहाँ पे है 28 छूटा हुआ है, समझिएगा। ये लंदन था, इसमें तीन अक्षर है, तीन अक्षर हैं, सबका मान दिया है, पहले वाले का 24 है, दूसरे वाले का 30 है, तीसरे वाले का जो है 28, चौथे वाले का जो है 8 है, पांचवें वाले का जो है 30 है, और छठवें वाले का कितना है 28 है। इसका मान दे दिया, फ्रांस का मान पूछ रहा है। आप देखेंगे प्रत्येक अक्षर दोगुना है, 12 की बजाय 24 दे दिया गया है, होना चाहिए था 12 मगर है कितना 24। ओ का मान वास्तव में 15 होता है मगर यहां कितना दिया है 15 दुना के 30। यन का मान 14 होता है, दिया कितना है 28। मेरे कहने का मतलब ये है जब आप एग्जाम में प्रश्नों को हल करें तो आप हर तरीके से जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार से आपको सोचने की आदत पड़ जाए, कि नहीं एक दुगुना टाइप का पूछेगा, एक आगे बढ़ा के पूछेगा, एक पीछे घटा के पूछेगा, एक आगे पीछे करके पूछेगा, और एक उसी में अक्षर में परिवर्तन कर देगा। आप मतलब कि इन प्रश्नों की जब प्रैक्टिस करेंगे तब 5 या 6 प्रकार 6 प्रकार है, आपकी आदत हो जाएगी, इतनी बुरी आदत हो जाएगी ना कि ये प्रश्न आपको बकवास लगने लगेंगे, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तब। कैसे हम कर दिए इस हिसाब से, फ्रांस का बताइए, आप कहेंगे यफ का मान होता है 6, आर का मान होता है 18, ए का मान होता है 1, यन का हो गया 14, सी का मान 3, ई का मान 5, ये तो वास्तविक मान होता है और वास्तविक मान की अपेक्षा इसमें दोगुना दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे इसका आंसर भी दोगुना होगा, मतलब आंसर होगा 6 दुना के 12, 18 दुना के 36, 1 दुना के 2, 14 दुना 28 हो गया, 3 दुना 6, 5 दुना 10, ये होगा उसका आंसर। तो बताइए आसान है कि नहीं आसान है, बेहद आसान है। ये आपके जो है इस चैप्टर के 90% प्रश्न खत्म हो गए। अब देखिए इसमें ये कि ये टॉपिक है जैसे कि दे देगा अंकों को, उनका पूरा का पूरा योग रहता है, हो सकता है इन सभी का योग हो या उन ये 38 ना इसका दोगुना हो, तिगुना हो, ऐसे पूछ सकता है। आप तुरंत क्या करेंगे, आर का मान 18 लिखेंगे, ओ का मान है 15, ए का मान 1 है, डी का मान क्या है 4, इनको जोड़ करके देखेंगे, कहेंगे 8, 5, 13, 4, 17, 1, 18 क्या 88 लगा, 1, 2, 1, 3। अगर इसका मान 38 दिया है वैसे ही हॉर्न का करेंगे तो 55 आएगा, सेम वैसे ही करके देखिए आप। फिर उसके बाद कह रहा है कि ब्लो का मान क्या होगा, अगर रोज का मान इतना है, हॉर्न का 55 है, तो बताइए ब्लो का मान क्या होगा। आप कहेंगे बी का मान 2 होता है, यल का मान 12 होता है, ओ का 15 होता है, और डब्ल्यू का मान कितना होता है 23 होता है। अब आप जोड़ेंगे 5, 3, 8, 10, 12 के 2, 80 लगा, 1, 2, 2, 4, 1, 5, ये कितना मान आएगा 52। बाई चांस ये हो सकता है कि ये 38 का दुगुना 76 हो सकता है, यहाँ 38 न दे करके कितना दिया हूं 76 दिया हूं, तब आप योग करके उसका दोगुना कर लीजिएगा। भाई दोगुना दे, तिगुना दे, चौगुना दे, कुछ भी दे, आधा भी दे सकता है, हो सकता था यहाँ 38 की बजाय 19 रहता और आपका जोड़ने पर 38 आ रहा होता, तो ये आधा रहता,
इसको भी आप जोड़ने के बाद आधा कर देते। एकदम लास्ट वाला टॉपिक ये जो है छठवां टाइप नंबर छह, बेहद आसान है, समझिएगा। थोड़ा सा हट करके है इस पर जो है ना, इसको थोड़ा सा कठिन में गिना जाता है। यह है क्या, जैसे नेपाली है, NEPALI नेपाली शब्द है। हर बार की तरह आप तुरंत पहले इसके अंकों को लिखिए, 14 के बाद 5 है, 16 है 1, 12 और ये 9। मगर नेपाली की जगह दिया क्या है, आप कहेंगे 6 है, 15 है, उसके बाद आप देखेंगे 0 है, फिर 15 है, फिर ये 10 है और ये क्या है 13 है। ये अंक हो गए आपके। मगर अगर आप थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे, कहेंगे 14 1 15 5 1 6 प्लस 1 हो रहा है, मगर तिकोना ऐसे देखिए, आपको वो आंखों से खुद दिखाई देगा। और इसी चीज को होता है, कहा जाता है प्रैक्टिस। इस चीज की क्या होती है, प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ये चीजें अपने आप आपको सामने दिखेंगी। पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा, जब 2-3 बार लगा लेंगे तो आपको बकवास नजर आएगा। फिर आप कहेंगे एक में से एक घट गया होगा तो 0 आया होगा, और 16 में से एक घट गया होगा तो 15 आया होगा। ऐसे आप कहेंगे 12 में प्लस 1 किया होगा और 9 में प्लस 1। आप देख रहे होंगे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो एक तिरछे टाइप के प्रश्न होते हैं। हो सकता है पहले को लास्ट में भेज दे, लास्ट वाले को पहले में भेज दे, बीच वाले को सेम वैसे ही छोड़ दे, बीच वाले को सेम वैसे ही छोड़ दे, यह भी हो सकता है। तो एक इस टाइप के प्रश्न होते हैं, इनको हल किया जाता है। अब आप समझ गए कि प्लस वन चल रहा है, माइनस वन चल रहा है, फिर प्लस वन चल रहा है, तो इस हिसाब से कह रहा है कि बताइए इस शब्द का आंसर क्या होगा। आप तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16 यस का मान है 19, टी का मान है 20, ई हो गया आपका 5, ई 5 हो गया, एक्स का मान हो गया 24, क्यू का मान आपका जो है 17, और जी का मान क्या है 7। आप कहेंगे प्लस 1 चल रहा था, 19 1 20 और 20 1 21 प्लस 1, और इधर क्या था, माइनस 1 चल रहा था। आप कहेंगे 2 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा 1, 5 है तो माइनस घट के हो जाएगा 4, है कि नहीं। तो यहाँ पर अच्छा 24 है तो ये 23 हो जाएगा, एक मिनट 23 हो जाएगा, ठीक है, 24 में से एक घटा 23 हो गया, 5 में से एक घटा 4 हो गया, और यहाँ क्या है प्लस 1 चल रहा है, 17 से 18 और 7 से 8, समझ रहे, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहां से आप जो है इस टाइम को पूरे तरीके से समझ चुके होंगे कि प्लस 1 माइनस 1 या तो प्लस प्लस भी चल सकता है, हो सकता है इधर से प्लस प्लस कर दे, इधर से माइनस माइनस या माइनस प्लस कर दे। तो एक ऐसे टाइप के प्रश्न तिरछे वाले होते हैं, यहां से आप आंसर निकालेंगे इस प्रश्न का, यहां से आप आंसर निकालेंगे इस प्रश्न का, ये आपका जो है आंसर था। जब ये प्रश्न आप लगाएंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आसान नजर आएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेते हुए कोई भी टाइप है, कुछ भी छूटा रहेगा, उनको बकायदा कोर्स कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग के एक एक टाइप अगर कहीं से कोई बचे होंगे या जो लगाने में आपको दिक्कत किए होंगे, सबको लास्ट में कंप्लीट करेंगे। यहां तो आपके 99% क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। जो टाइप है, प्रश्नों का प्रकार है, 90% से अधिक कंप्लीट हो जाता है, और प्रश्न आने भी इन्हीं में से है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कराइए और आगे ले चलिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास दें। बढ़िया से पढ़ते रहिए।